दोस्तों हमारा मिर्च का प्लांटेशन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि 12 दिन का पौधा हो चुका है और हमारा पौधा का जड़ अच्छी तरह से मिट्टी में पकड़ चुका है, ये पौधा धर लिया है। अब हमें करना क्या है, अब देख सकते हैं कि बारिश भी अच्छी तरह से रोज़ हमें पानी मिल रहा है बारिश का और नमी बरकरार है और मिट्टी भी एकदम भुरभुरी हो गई है। और हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम ये खाद जो है कि जड़ की आरी आरी हमने डाल दिया है, इससे क्या होगा कि इसमें ये जो पीला पत्ती है ये सब खत्म हो जाएगा, पीलापन खत्म हो जाएगा और हरा भरा रहेगा और इसमें से गांछे जो हैं कि कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जड़ में थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ से निकलना शुरू हो रहा है, तो हमने हल्का हल्का खाद को जो है जड़ जड़ से दूरी हट करके आरी आरी गिराते चले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने लिया यहाँ पर NPK और यहाँ पर कोई भी DAP वगैरह आप लेकर छिड़क सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम ऐसे ऐसे छिड़कते हुए चले जाएँगे, सारे पेड़ के आरी आरी छिड़केंगे, जड़ जड़ के यहाँ पास में नहीं रहेगा नहीं तो ये गल जाएगा, थोड़ा दूरी पे ऐसे छिड़कते चले जाएंगे, एक का दुक्का चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम पेड़ के आड़ी आड़ी खाद भुरकाते हुए चले जाएंगे, छिड़कते हुए चले जाएंगे। अब देख सकते हैं सारा खेत में हमने खाद को एकदम गिरा दिया है, अब ये पेड़ अच्छे से हरे भरे हो जाएंगे, पीलापन खत्म हो जाएगा और ये ग्रोथ बहुत जल्दी करेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर कल्ले निकल रहे हैं तो इसलिए हमें खाद छिड़कना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पौधे अच्छे से चल रही हमारा। अब इसके बाद खुरपी द्वारा यहाँ पे कोड़ाई हो जाएगी ताकि खाद भी अच्छी तरह से मिल जाएगा, घास खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है।